हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर मुकेश भूसारे है और हमारे इस चैनल राइट कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग में किस प्रकार से सर्वेइंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हर कोई बंदा जो है सर्वेइंग सीखना चाहता है, लेवलिंग की प्रॉब्लम को समझना चाहता है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो कभी भी दोस्तों आपको लेवलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर टेकन इन अ सक्सेशन विद अ लेवल, द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द फोर्थ एंड द सेवंथ रीडिंग्स। यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है कि दो जगह पे जो है क्या किया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्राइपॉड के ऊपर हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है कुछ इस प्रकार से, इसे दोस्तों क्या किया गया है, दो जगह पर शिफ्ट किया गया है, जो इन्होंने क्वेश्चन में शो कर दिया है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इंटर द डेटा इन अ पेज ऑफ अ लेवल बुक। लेवल बुक में आपको डेटा को क्या करना है, इंटर करना है। जो रीडिंग्स आपके पास दी हुई है क्वेश्चन में, उसे आपको किस में एंटर करना है, लेवल बुक में एंटर करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, बाय द प्लेन ऑफ कोलिमेशन मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड। प्लेन ऑफ कोलिमेशन मींस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। इस मेथड के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और दूसरा तरीका है राइज एंड फॉल मेथड। इन दोनों ही मेथड के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले प्लेन ऑफ कोलिमेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसे ही दोस्तों HI मेथड कहा जाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन ऑन अ बेंच मार्क। बेंच मार्क के ऊपर दोस्तों क्या किया गया है, फर्स्ट रीडिंग जो है ली गई है। वहां का रिड्यूस लेवल की बात करें तो 68.235 वहां का क्या है, रिड्यूस लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने जो लेवल से लिए हैं उनकी जो रीडिंग्स है इन्होंने यहाँ सीक्वेंस में जो है शो की है। हमें क्या करना है, इन लेवल्स को जो है इस लेवल बुक के फॉर्मेट में जो है फिल करना है और कैलकुलेशन करना है। सभी स्टेशन पॉइंट के जो है रिड्यूस लेवल निकालने हैं, प्रॉपर कैलकुलेशन करके अर्थमेटिकल चेक करना है और इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसमें क्या क्या चीजें हमें दी है, क्या क्या चीजें हमें गिवन है, वह हमें प्रॉपर नोट डाउन करना है और उसके बाद इस प्रकार से जो है टेबल को आपको ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं इसमें कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम रहेंगे। बाकी रो जो है आपके रीडिंग्स के अनुसार जो है आप रो ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है BS, उसके बाद लिखना है आपको यहाँ पर IS, इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको FS, यहाँ पर आपको लिखना है प्लेन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ कोलिमेशन यहाँ पर लिखना है, इसके बाद यहाँ लिखना है आपको RL और लास्ट में लिखना है आपको रिमार्क। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर BS में 1.735। इसके बाद सेकंड रीडिंग आप देख सकते हैं 1.625 है, जो कि सेकंड स्टेशन पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.625, इसके बाद क्या है 1.580 है, 1.580। फोर्थ रीडिंग पर जो है इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है, शिफ्ट किया है, इसलिए जो फोर्थ रीडिंग होगी उसे आपको किसमें लिखना है, FS में लिखना है। तो फोर्थ रीडिंग कौन सी है, 1.250। इसके बाद हमेशा याद रखना, FS के जस्ट बाद की रीडिंग होगी, नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वह आपको BS में लिखना है। तो यह जो कितनी है 1.115, ये आपको क्या लिखना है, FS के जस्ट सामने लिखना है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं रीडिंग कौन सी है, 2. ये किसमें आएंगी आपकी, छठवीं रीडिंग है, तो छठवीं रीडिंग आपकी किसमें आएगी, IS में आएगी। तो 2.010। इसके बाद सेवंथ रीडिंग आपकी आल्सो आप देख सकते हैं कि सेवंथ रीडिंग पर फिर से जो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, तो पुनः जो है आपकी रीडिंग यहाँ पर किसमें चली जाएंगी, ये FS में जाएंगी, 1.325। और इसके जस्ट बाद की रीडिंग आपकी BS में होगी 1.055। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये IS में रहेंगी एक रीडिंग 1.095।
1.095 और लास्ट की यह जो रीडिंग है यह है दोस्तों 0.955, ठीक है, लास्ट की रीडिंग है। तो लास्ट की रीडिंग हमेशा याद रखना आपकी किस में लिखी जाती है, एफएस में लिखी जाती है 0.955। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपको रीडिंग को सीक्वेंस में फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको पुनः बता देता हूँ, सबसे पहली रीडिंग जो ली है वह बीएस में आपको लिखना है, इसके बाद जितनी भी रीडिंग्स है एफएस के पहले की उसे आईएस में लिखना है, इसके बाद जिस पर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, जिस रीडिंग पर किया है, फोर्थ पे किया है तो फोर्थ की जो रीडिंग है उसे हमने किसमें लिख दी, एफएस में लिख दी। इसके बाद की जो रीडिंग होगी जस्ट नेक्स्ट रीडिंग उसके सामने आपको लिखना है बीएस में, इसके बाद फिर से आईएस रहेंगी और इंस्ट्रूमेंट को फिर शिफ्ट किया है सेवंथ पे, तो हमने सेवंथ पे फिर से पुनः जो है 1.325 लिख दिया, इसके सामने पुनः जो है इसके आगे की जो रीडिंग होगी इसे हमने किसमें लिख दिया, फिर से बीएस में लिख दिया, और उसके बाद पुनः आईएस और लास्ट रीडिंग आपकी एफएस। यह आपको इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहली जो रीडिंग हमने बेंच मार्क के ऊपर ली थी वहां का आरएल ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है 68.235। तो इसके बाद दोस्तों आपको प्लेन ऑफ कॉलिमेशन निकालना है, मींस एचआई निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आरएल आपका बेंचमार्क पर दिया हुआ रहेगा उसके साथ आपको बीएस की जो रीडिंग है फर्स्ट रीडिंग है उसे प्लस कर देना है, तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर जो है एचआई निकल कर आ जाएगी, आपका प्लेन ऑफ कॉलिमेशन निकल कर आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेशन जब करेंगे दोनों को प्लस करेंगे तो 68.235 प्लस 1.735 ये आता है 69.970। यहाँ का क्या आ गया दोस्तों, प्लेन ऑफ कॉलिमेशन आ गया, मीन्स एच आई आ गई। तो यह जो आरएल है दोस्तों किस पर है, ए पॉइंट पर है जहां पर हमारा बेंचमार्क है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको बी पॉइंट पर जो है रिड्यूस लेवल निकालना है तो सबसे पहले आपको एच आई में से या तो आई एस माइनस करना है या तो फिर एफ एस माइनस करना है, तो आपके सारे रिड्यूस लेवल निकल कर आ जाएंगे। लेकिन जहां पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, जहां पर चेंजिंग पॉइंट हुआ है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको पुनः जो है वहां पर प्लेन ऑफ कॉलिमेशन निकालना पड़ेगा, पुनः आपको वहां पर एच आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपके रिड्यूस लेवल निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सारे रिड्यूस लेवल निकाल के बता देता हूँ। सबसे पहले आप एच आई लिखिए 69.970 माइनस 1.625। तो यहां का आर एल निकल के आता है बी पॉइंट पर 68.345। इसके बाद पुनः हमें यहां सी पॉइंट पर जो है आर एल निकालना है, तो एच आई आपके पास दी हुई है 69.970 माइनस 1.580। तो यहां का आरएल निकल के आता है थ्री पॉइंट पर 68.390। इसके बाद डी पॉइंट पर हमें आरएल निकालना है, तो सिमिलर जो है आपके पास एचआई है 69.970 माइनस क्या है यहां पर 1.250। तो यहां का आरएल निकल के आएगा 68.720। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो फोर्थ रीडिंग है वहां पर हमारा क्या है दोस्तों, चेंजिंग पॉइंट है, सीपी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको क्या करना होगा, न्यू एचआई निकालनी होगी। जैसा हमने आपको बताया था कि अगर इंस्ट्रूमेंट आपका शिफ्ट होता है तो आपको पुनः जो है एक एचआई निकालना होगा, एक प्लेन ऑफ कॉलिमेशन आपको वहां पर निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास यह जो आरएल है इसके साथ आपको यह जो बीएस है इसे प्लस करना है, तो यहाँ पर जो है न्यू प्लेन ऑफ कॉलिमेशन आ जाएगा, न्यू एचआई आ जाएगी 68.720 प्लस 1.115। तो यहाँ की एचआई आती है 69.835, ठीक है। अब इस एच आई से आपको यह जो आई एस है इसे माइनस करना है, तो यहां का हमें क्या मिल जाएगा, आर एल मिल जाएगा ई पॉइंट का, ठीक है। तो इस एच आई से हम इसे माइनस करते हैं 69.835 माइनस 2.010। यहां का आर एल आ चुका है 67.825, ये ई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ का ई के बाद एफ पॉइंट का अगर हमें क्या निकालना, आरएल निकालना है
तो पुनः इस HI से हमें 835 माइनस, इस HI से हमें इसे माइनस करना होगा 1.325। तो यहाँ का आधे निकल के आया है 68.510। ठीक है, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह जो है ऑलरेडी हमारा क्या है दोस्तों, चेंजिंग पॉइंट है, CP है। तो चेंजिंग पॉइंट पे जैसा हमने पहले बताया कि हमें न्यू HI निकालना होगा, न्यू प्लेन ऑफ कोलिमेशन वहां पर निकालना होगा, तो पुनः जो है इसके साथ हमें यह जो BS है इसे प्लस करना होगा, प्लस 1.055। तो यहाँ की HI आती है 69.565। इस HI से हमें यह जो है IS माइनस करना है 1.095। तो यहाँ का हमें RL प्राप्त होता है 68.47। सिमिलर यह HI इससे यह आपको माइनस करना है माइनस 0.955। यहाँ का RL निकल के आता है 68.91। यह आपको क्या था F G और ये लास्ट H स्टेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको सबसे पहले इनका सम करना है, BS का सम आपको यहां लिखना है और FS का सम आपको यहां पर लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, BS का सम यहां लिखना है और FS का सम यहां लिखना है। ठीक है, ये तो सम कर लेते हैं 1.735 + 1.115 + 1.055। ये आता है 3.905। इसके बाद FS का सम सिमिलर 1.255 + 0.955। इसके बाद दोस्तों आपको अर्थमेटिकल चेक करना है, तो यहाँ आपको लिखना है फार्मूला है सम BS माइनस सम FS इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ठीक है, तो सम BS हमारे पास कितना है 3.905 माइनस सम FS आप देख सकते हैं 3.53 इज इक्वल टू लास्ट RL हमारे पास है 68.61 माइनस फर्स्ट RL है 68.235। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम वैल्यू आनी चाहिए दोनों साइड में 3.935 - 0.375 = 0.375 = 0.375 = 0.375 दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि लेवलिंग की प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत आसानी से जो उसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा कि प्लेन ऑफ कोलिमेशन मेथड से किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन राइज एंड फॉल मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राइज एंड फॉल मेथड से जो है किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आप सीख सकते हो। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।